दिन. What do you mean by taunt, taunt? बोलो मेरा head. देसी देसी ना करिया कर छोड़ी रे. इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे. तो कैसे हैं आप लोग? मैं आज एक बहुत सीक्रेट बताने वाली हूँ. वैसे कल मेरा दांत निकाला है डॉक्टर ने, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी है. तो मैं आज आपको इंडियन रॉक का एक राज बता रही हूँ, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये गंजे नहीं है. और ये जो इनके बाल उग रहे हैं ना पेंगुइन की तरह, ये रोज शेव करते हैं, वो भी देसी तरीके से. तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि ये शेव कैसे चलती है. दोपहर के बज रहे हैं 1:30. अभी ये बताओगे तुम मैं क्या तुझे देखते? और अपने देसी औजार तो दिखाओ जरा, किन घटिया. पता नहीं कहाँ रख दिए मुझे. अच्छा, अब उसके लिए चाहिए एक ब्लेड. ये गरीब रॉक है, इससे क्यों करते हो तुम साफ? ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है, बिल्कुल सही होता है एकदम. क्योंकि नॉर्मल जो रेजर है ना, अब इतने बाल हो जाते हैं उससे हो नहीं पाता. तो ये ब्लेड हम नाई के पास भी जाते हैं, किसी सैलून में जाते हैं, तब भी वो इसी का यूज करते हैं. अभी ब्लेड तो रेजर मैं वैसे दिखाना चाहूंगी कि दुनिया भर के रेजर शेवर सब पड़े हुए हैं, बट ये आदमी इतना ज्यादा देसी है तभी ये देसी रॉक है. इंडिया का रॉक हूँ मैं. अभी मैं दिखाता हूँ ब्लेड मेरी कहाँ है, मैं लगाना भी दिखाऊंगा आपको. ये एक ब्लेड कंटे की सफा चट, ये लिया हमने रैपर से निकाला इसे. ये क्या 5 रुपए वाला रेजर है ये? क्या ये रेजर? हाँ. ये जो पूरा आता है 12-15 रुपए का है. हाँ. ये ब्लेड का पैकेट भी 12-15 रुपए का है. बट मैं दिखाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम वो अपने जो तुम्हारे शेवर्स वेवर्स रखे हुए वो भी जरा दिखाओ. अच्छा, वो भी दिखाएगा. हाँ. और मैंने इतना खूबसूरत अपना बेडरूम सारा रेनोवेट कराया था दिवाली पे. ठीक है, ये मेरा बेडरूम है, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बेडरूम. ये देखो कितना क्या बात है, देखो. और दिखाओ अपने औजार. अच्छा, एक एक शेवर और भी तो है तुम्हारे पास? एक शेवर और है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है कि जिससे ज्यादा यूज करते हैं वही दिखाया मैंने. अच्छा, तो मतलब शेवर्स हैं तुम्हारे पास. और क्या क्या है इसके अंदर? लेकिन इसमें हो नहीं पाता, बहुत कुछ है इसमें. मेन तो यही है जो मैंने तैयार कर दिया है. ठीक है, चलो. तो अपने ये देखो, ये गंजा नहीं है, ये रॉक का इतना तगड़ा फैन है कि बेचारा डेली शेव करता है अपने सर को, जो 2 दिन बाद ही पेंगुइन जैसा शेप देता है आगे से ना. आए हाय, अब दिखाता हूँ मैं क्या करना है. अबे तुम यहाँ करते थे क्या है? कुछ नहीं करना आपको. ऐसे करना है, थोड़ा पानी लेना है और ऐसे लगाना है इसको. क्या तुम्हें पूरे तरीके से लगा के दिखाऊं या आधा ही दिखाऊं? नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुंह से लेके पीछे तक शेव करो. वैसे तुम्हारी शेविंग यहाँ से शुरू होती है वहां तक जाती है, मुझे बड़ी हंसी आती है तुम्हारी तुम्हें देख के. कोई बात, ये देखो क्रीम की तरह लगा मुंह पे. अच्छा, इसको लगाया है ऐसे. मैं चाहती हूँ दीपक तुम्हें जिलेट कंपनी जो है ना वो अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दे, कि भाई इतना शौक है मुझे गंजा रहने का. ये डेली का रूटीन है दीपक का? डेली नहीं है, एक दिन छोड़ के एक दिन है. दिखाना मुंह तो दिखा दो एक बार. ये हो गया काम. ये कट से इसमें लगते हैं 2 कोट. क्या क्या
सॉरी, एक्चुअली हम ब्लॉग बनाने के लिए रेडी नहीं थे, तो मैंने सोचा कि ये भी दिखाया जाए अपने फैंस को। इसमें लगते हैं दो कोट, ये पहला कोट चलेगा। बाल थोड़े बड़े हो गए हैं, देखो ब्लेड का फायदा ये है, लेजर पे चार बार टिकाना पड़ता है इसमें एक ही बारी में उतरते हैं, फिर दो कोट में काम हो जाता है। कितना टाइम लगेगा, पकड़ी खड़ी रहूं क्या इसको? दिखाओ क्या बात है। फर्स्ट कोट है, फर्स्ट कोट है अभी, अभी होगा ये पूरा होगा ऐसी कोटिंग, ये मैं दिखाता रहूंगा आपको। पकड़े की मत खड़ी रहो तुम, मेरे साथ जाओगी तुम, देखे तेरे मेरे सपने, पर मेरे सपने ये नहीं है कि मुझे अपनी टॉन्ट साफ करनी पड़े। टॉन्ट देख रहे, माय गॉड, हेड शेव कर रहा है कोई अपनी। कल डेंटिस्ट ने मेरा अक्कल दांत निकाल दिया, उसका मैं व्लॉग बनाने वाली थी, लेकिन डेंटिस्ट कहीं ऐसा ना हो व्लॉग बनाने के चक्कर में मेरा कुछ और ही निकाल देता मुँह से, तो इसलिए वो भी मैं चाहती थी कि आप लोगों से शेयर करूँ। बड़ी फट गई थी मेरी, अभी भी दर्द है, स्वेलिंग है। अब देखो मेरे ऊपर की टांट तुम्हें दिखाया था जल्दी है। What do you mean by taunt, taunt? बोले मेरा हेड। देसी देसी ना करिया कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। देखो ये ऐसा होता है फर्स्ट कोट, बट तुम्हारा सर ना पेंगुइन के सर के जैसा होता जा रहा है दिन में। सेकंड कट मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहना मेरे साथ। तो उसने के बाद दीपक गया फटाफट अपना सेकंड कोट लगाने के लिए। पहले तो पानी करना है आपको। अच्छा, इसके बाद अब ब्लेड का जो, अच्छा अब नहीं लगानी क्रीम, लगानी है अभी पॉइंट का, पॉइंट चेंज करा है ब्लेड का। अच्छा ब्लेड का पॉइंट चेंज करा है, ठीक है। ये थोड़ा सा साफ करना होता है भाई। देखो मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि दीपक गंजा क्यों हुआ था। दीपक गंजा इसलिए हुआ था कि जब 2020 में पहला लॉकडाउन लगा था और दीपक तैयारी कर रहा था शेरू क्लासिक की, तो ये इतना गुस्से में आ गया था लॉकडाउन के टाइम पे, और बाल ना ऐसे टेढ़े मेढ़े से हो रखे थे अजीब से, तो दीपक ने नाई को बुलाया घर के अंदर ही और उस तरह फिरवा दिया अपने सर पे कि भाई अब चलो पता नहीं लॉकडाउन भगवान जाने कब खुलेगा। तो अब जैसे अब क्या करे, बैठे बैठे कुछ काम तो करना ही था, तो दीपक लाइफ चला गया गंजा होके। लोगों ने, कई लोगों ने लिखा कि आपके घर में कोई अंतिम संस्कार तो नहीं हो गया या कुछ इस तरीके से, और 90% लोगों ने एक ही चीज लिखा, भाई आप ना रॉक लग रहे हो। तो दीपक खुश हो गया। अब दीपक लगातार गंजा होके रोज लाइव आ जाता था, लोग लिखते थे भाई आप रॉक लग रहे हो, आप रॉक लग रहे हो, और उसके बाद भाई बस एक टैटू की कमी है। तो ये जो गंजा गंजे डेली रेजर मारना और 9 दिन लगातार और हर दिन मेरे ख्याल से 7 से 8 घंटे सिटिंग होती थी टैटू की, ये सिर्फ और सिर्फ ऑन पब्लिक डिमांड जो आपके फैंस हैं उन्हीं के लिए, क्योंकि उनके दीपक के बाल बहुत अच्छे हैं और अब तो ये जो है ये लुक पूरा अपना लिया है दीपक ने, और आप लोगों ने भी इतना प्यार दिया है इस लुक को। तो ये कहानी है, सच्ची कहानी आधारित है इस गंजेपन पे। पहले जब मैंने चालू किया था खुद करना तो मेरा बहुत बार कटा है, तो बहुत प्यार से ब्लेड का तो आप समझते ही। तो
तो कितना टाइम, मतलब 20 से 25 मिनट लगते हैं ना? हाँ, लग जाते। बाल बड़े हो गए थोड़े से और। सो आज है दिन बुधवार और पर यार वो ड्राइवर वाकई में बदतमीज था। उसने मुझे फोन पे कैसे बोला, बहरी है क्या? तो मैं देख कर ही उसकी सोच रहा होगा आज तो भाई इसने ये साबू भेजा है मुझे मारने के लिए। कौन आ गया ये बंदा, इतना तगड़ा था, गंजा बंदा भाई, ये तो टांट मार मार के मेरा मुंह सुझा देगा ये। और जैसी उसने एक पतली सी प्यारी सी इतनी इनोसेंट आवाज सुनी होगी, वो भी दिखाएंगे आपको उसने क्या बोला उसके बाद, सब देखने को मिलेगा आपको सिर्फ रूपल दीपक के शो में। रूपल दीपक के शो में जो है यूट्यूब पे मिलेगा आपको। ये चल रहा है भाई, थोड़ा सूख गया है देख रहा, तो इसको दोबारा थोड़ा सा अच्छा सर का हो गया, प्लीज पीछे हो गया पीछे तो ये ना दिल्ली की जो खुदाई वाली सड़कें हैं वैसा तुम्हारी सर लग रहा है पीछे से ना, वो है ना बस। हाँ ज्यादा खड़ी नहीं रहूंगी मैं, एक बार मुंह दिखा दो। ओह माय गॉड तुम कितनी सुंदर हो दीपक, मैं कह रही थी फैंडी। चलो कर लो आराम से, उसके बाद फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं आपको। दीपक को बीच में ही अपनी शेव रोकनी पड़ी क्योंकि एक बदतमीज ड्राइवर है, एक मिनिस्ट्री ऑफ केक है तो उन्होंने हमारे लिए, लेकिन एक कोट हो गया है, एक कोट हो गया है, दूसरा कोट होना बाकी है। और मिनिस्ट्री ऑफ केक से दीपक और मुझे किसी ने बड़े प्यार से उनके ऑनर ने केक भेजा है, तो वो अब दीपक रिसीव करने जा रहे हैं। बहुत बदतमीज है, उसको कॉल बैक कर लो यार, बहुत ही ज्यादा बदतमीज। मुझे लिटरली वो क्या कह रहा है, बहरी है क्या, सुनाई नहीं देता, ऐसे बात कर रहा है वो ड्राइवर। अभी दीप मेरा तो दिल कर रहा है कि नीचे जाके उसके दो चांटे मारूं। किस नंबर से था वो, अमित गुप्ता? अमित गुप्ता नाम से था उसका नंबर ना। एक बार उसकी आवाज तो सुना दो लोगों को, एक बार तो सुना दो यार। बिजी पे बिजी जा रहा है। हेलो, स्पीकर पे तो डालो। भाई गाड़ी लेके आपको घूमना नहीं है दोस्त कहीं भी, आपको गाड़ी लेके कहीं घूमना नहीं है, आपको जंगल में नहीं बुलाया यार। मैंने आपको बोला तो भाई केसरी मार्केट पूछ लो किसी से। हाँ तो वहाँ दो बैरियर लगे हुए दिख रहे, अरे मेरे चाचा वहाँ पे दो बैरियर लगे हुए दिख रहे हैं आपको। हाँ राइट लेने के बाद वहाँ पे दो बैरियर लगे, वहाँ रुक जाना तुम। हाँ मैं नीचे से आता हूँ, इधर क्या मारूं यार किसी को। तो भाई आखिर मुझे ही आना पड़ गया। तो ये भाई साहब है जो ये लेके आए, भाई लेडी से थोड़ा बदतमीज से बात मत करा। अरे बदतमीज सुन, आवाज थोड़ा आ गया था तो जान लग गया था इसलिए बोला, मैंने सुनाई नहीं दे रहा था, वहाँ पे हॉर्न मारा था बार बार। तो भाई आप बदतमीजी से नहीं कह रहे थे ना? नहीं, ये फोन की वजह से लग रहा है आपको। हाँ नहीं भैया, मैं बदतमीजी से नहीं कह रहा था, जान लग रहा था इसलिए हॉर्न मारा था। ओ भाई कोई बात नहीं, चलो अपना ध्यान से जाओ। महादेव का दिन है, थोड़ा जाम लगे था, बजरंग बली लगे हुए हैं आगे, महादेव आपको और शांति प्रदान करें। तो भाई भाई ने आके दे दिया है, तो थैंक यू मेरे दोस्त, शांत रहो, पानी पियो और मौज लो, ठीक है। ले आया मिस्ट्री ऑफ केक, थैंक यू मिस्ट्री ऑफ केक, अभी ये भी बताएंगे कैसा है केक। केक भेजा है, उनके ये वर्ड्स हैं, आई हैव अ बेकरी नेम ऑफ स्टाइल ऑफ मिनिस्ट्री, जस्ट वॉन्टेड टू सरप्राइज यू बोथ, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट एनी प्रमोशन और एनी थिंग, जस्ट नथिंग इन रिटर्न, जस्ट। सो ये बहुत प्यार से इन्होंने अभी केक भेजा है हमें। मैं चाहती हूँ कि किसी फैन ने या किसी के प्यार ने इतने प्यार से केक जो भेजा है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ।
भाई ड्राइवर बड़ा बदतमीज था, कुछ भी कहो दीपक। कोई बात नहीं यार, गर्मी है, हो जाता है। आखिर में हंसा के भेजा ना उसको, आज एक शांति देनी उसको बहुत। आपको पता है ये जो सोफा है ये भी एक दिखाओ दिखाओ, वाओ, एंड दिस इज प्योर वेज। बेस्ट विशेस टू द मोस्ट ब्यूटीफुल कपल। थैंक यू करण गुप्ता जी। करण गुप्ता भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये जो तुम नोच नोच के केक खा रहे हो ना, दिस इज चॉकलेट मूस केक। अरे खोलो, ये देखो इसका तरीका देख लो, जानवर का जंगली। एक काम करो, अपनी शेविंग पूरी तो कर लो भाई, जरा अपना मुंह दिखाना। पता क्या होता है, जब आप खुद खरीद के खाते हो और कोई आपको बड़े प्यार से कोई चीज भेजता है ना, तो उसका स्वाद ही अलग होता है। दीपक तुमने केक की माँ बहन कर दी है, पता है? देखना जरा तरीका देखो इसका खाने का। बस करो दीपक, गेनिंग मोड, जाओ जाके अपना दूसरा कोट तो दिखाओ। ये फर्स्ट कोट है इनका, और अभी एक और कोट होगा क्योंकि बीच में ही जाना पड़ा। बस करो बेटा, मत खाओ, इतना नहीं खाते, इसको भी तो टेस्ट करा दो। नहीं नहीं बेटा, ये हाथ देखो जरा दीपक के। बजे ये हजामत शुरू करी थी, 2:15 हो गए। देखो भाई क्या हाल है मेरे गंजे पति का। बेबी हो गया, दिखाओ अपना चोकटा दिखाओ। ओहो क्या मुंह है तुम्हारा। सो ऐसे ही हमारे ब्लॉग को प्यार करते रहिए, ठीक है? और दीपक थोड़ी साफ सफाई भी रखा करो यार, घर में काम वाली को इतने पैसे भी देते हो तुम। अरे ये मैं करूँ, सफाई भी मैं रखूँ, सब कुछ तुम करो, मैं सिर्फ बातें करूंगी। तो भाइयों हम लोगों दोनों को अपना ढेर सारा प्यार दो, और जैसे आप मुझे लगा, और ये टी शर्ट थोड़ी साफ कर दो। और प्लीज भाइयों इनको ये भी समझाओ, अच्छे खासे सुंदर घर में ये बालकनी में सुखाया करे, ठीक है? यहाँ सुखाने की जगह नहीं है। बड़ा बहुत बैचलर नहीं हो तुम, शादीशुदा हो यार। चलो बाय बाय।